बड़ा भया तो क्या भया, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। क्यों दोस्तों, यही बात होती है बड़े लोगों पर लागू, ये कबीर जी के दोहे में कही गई है। जिस तरह खजूर का पेड़ बड़ा हो जाता है, लेकिन क्या है, ना तो आसानी से उसके फल प्राप्त हो पाते हैं, ना ही पंछियों को छाया मिल पाती है। यही बात लागू हो रही है मुख्य रूप से बड़े बड़े लोगों पर, चाहे वो कोई बड़ा उद्योगपति हो, चाहे कोई बड़ा राजनेता। अब बात आती है, इसी तरह धनाढ्य लोग भी यही प्रवृत्ति में आ जाते हैं, लेकिन मैं बताना चाहूंगा एक वास्तविक कहानी, जिसमें क्या है, उसने, उस व्यक्ति विशेष ने इस बात को झूठा साबित कर दिया। जैसा कि मेरे एक मित्र हैं, जिन्होंने क्या है, बिटकॉइन जैसी कंपनी में पैसा लगाया, और देखते देखते वो क्या है, काफी कॉइन यानी काफी करोड़ रुपए के मालिक बन गए। लेकिन उन्होंने सोचा कि इन कॉइनों को क्यों ना दूसरे कॉइन में बदल दिया जाए। जी हाँ दोस्तों, और समय रहते उन्होंने उन कॉइनों को दूसरी कंपनी के कॉइनों में बदल दिया। अब जो ही उन्होंने उन कॉइनों को ट्रांसफर किया, तो क्या है, वो कंपनी ही बंद हो गई, क्योंकि विश्व स्तरीय बातों में कॉइनों को क्या है, पाबंद होने की चर्चा चली, और चर्चा चली तो कंपनी विशेष को क्या कर दिया गया, बैन कर दिया गया। अब करे तो क्या करे, कैसे क्या हो, ऐसे में उन्होंने क्या है, हताश ना होकर, निराश ना होकर एक मंच बनाया। मंच बनाया चूंकि उनकी नॉलेज बहुत अच्छी थी ऑनलाइन जानकारियों की, तो उन्होंने सोचा कि भाई जिस तरह मेरे साथ हुआ है, उसी तरह किसी और व्यक्ति विशेष के साथ ना हो। इसके लिए उन्होंने एक YouTube चैनल शुरू किया, और आम आदमी को, आम जन मानस से जुड़ी विभिन्न जानकारियां देना शुरू की। जैसा कि कोई भी अध्यापक होता है जो अच्छा सा अच्छा पढ़ा लेता है, लेकिन वह खुद का स्कूल खोलना चाहता है तो उसको जानकारी नहीं मिल पाती कि कैसे अपना स्कूल खोले, तो उन्होंने इस बात को लेकर एक वीडियो बना दिया। देखते देखते दिन दोगुने रात चौगुने लोग उनको देखने लगे, लोगों की मदद होने लगी, तो क्या है, काफी लोगों ने उनको सराहा, और साथ ही YouTube के जरिए भी उनको रेवेन्यू आने लगा, उनकी भी आर्थिक हालत सुधारने लगी और लोगों को भी मदद मिलने लगी। इसके बाद उन्होंने कॉइन कैसे परचेज किया है पर भी क्या है, वीडियो बनाए और आर्टिकल लिखे, जिससे क्या है, काफी लोगों को मदद मिली। तो ये कहानी चरितार्थ हो गई कि बड़ा भया तो क्या भया, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। लेकिन उस व्यक्ति विशेष ने बड़े होने के बावजूद भी क्या है, अपने संपर्कित और बिना संपर्क वालों लोगों को क्या किया, भला किया, जानकारी देकर। जी हाँ दोस्तों, तो YouTube एक ऐसा मंच बन गया है, आर्टिकल ब्लॉगिंग एक ऐसा मंच बन गया है, जिसके जरिए आप अगर किसी कारण से हताश निराश हो चुके हैं, तो क्या है, अपने जानकारियों को उनके इन मंचों के जरिए, प्लेटफॉर्म के जरिए, जैसा कि YouTube के जरिए आप आसानी से बांट सकते हैं, जिससे अन्य लोग ठगे ना जाए। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद है मेरे जरिए दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। साथ ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके जाने और बड़ी योजनाओं को, और सब्सक्राइब कर ले DK हिंदी न्यूज़ YouTube चैनल को।